है ना ये जगह सुंदर? ये है मुनस्यारी, विच इज स्टिल एन अनटच्ड टाउन इन उत्तराखंड, जहां पहुंचने के लिए हमने दिल्ली से करीब 17 घंटे ड्राइव किया। चंपावत पिथौरागढ़ से होते हुए जब हम इस रियल लाइफ सीनरी स्पॉट पे पहुंचे तो मेरे अंदर की बॉलीवुड हीरोइन उछल पड़ी। जोक्स असाइड, यह है गौरी गंगा नदी, जो कि सरदा या फिर सरयू नाम से भी जानी जाती है। लोग कहते हैं ना कि डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस, बट आवर जर्नी वॉज ब्यूटिफुल टू। वी सॉ सो मेनी वाटरफॉल्स एंड इवन ड्रोव थ्रू वन। वी मेट क्यूट फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फेलो ट्रेवलर्स टू मुनस्यारी। पर कुछ रोड्स एक्स्ट्रा डिफिकल्ट थे, बट व्हाट्स फन इन ट्रैवलिंग विदाउट चैलेंजेस। रोड ट्रिप्स पर सीजनल और लोकल फ्रूट्स खाने का मजा ही कुछ और है, तो फ्रूट्स देखते ही हम गाड़ी से उतर के खरीदने लगे। फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद शाम को होटल पहुंचते ही हम डिनर करके सो गए। दूसरे दिन हमारे होटल का व्यू इतना अच्छा था कि मैंने बुक्स पकड़ के फोटोज के लिए पोस्ट करना शुरू कर दिया। सुबह की चाय पीने के बाद अपनी डे पैक और खुद को रेडी करके हम निकल पड़े मुनस्यारी एक्सप्लोर करने। आवर फर्स्ट स्टॉप वाज नंदा देवी टेम्पल, वेयर वी वर ऑलमोस्ट ऑल बाय आवरसेल्फ्स। जब कोई जगह खाली हो तो वहाँ का एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाता है। इस टेम्पल से व्यूज बहुत खूबसूरत हैं, चारों तरफ ग्रीनरी, बादल और सुंदर नज़ारे। पता ही नहीं चला यहाँ डेढ़ घंटे कैसे बीत गए। मंदिर के पास मैंने पहली बार एक रुद्राक्ष का पेड़ देखा और नीचे पड़े एक रुद्राक्ष को उठाकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। रुद्राक्ष है, आइडली ये होता है मेन फल, तो अभी हमने इसको छीला, ये निकला, तो ये जो आप तुम देख रहे हो ना, ये मुख होते हैं इसके जो लाइन्स हैं। तो जनरली 5 और 7 मुखी बहुत कॉमन है इंडिया में, एक मुखी बहुत रेयर है जो उसकी वैल्यू 50-50, 60-60 हज़ार भी होती है, तो देखते हैं कब हमें एक मुखी मिलेगा। वैसे तो हमारा प्लान था खलिया टॉप जाने का, पर टाइम की कमी और रेनी वेदर की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा और हम पहुंच गए थामरीकुंड, जो एक और छोटा सा ट्रैक है जो भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि मेरे सहयात्री, जो अपने आप को प्रो ट्रैकर समझते हैं, शूज पहन के नहीं आए थे और यहाँ पर काफी लीचेस थी। ये देखो मुझे मिल गया वो छोटू सा डेड वाला वाइल्ड बेरी टाइप का, जो भी है ये सारे गिर गए। अब गाइज मेरा इन लोगों की वजह से ट्रैक तो नहीं हो पाया ये वाला भी, पर आई एम होपिंग फॉर अ गुड मील नाउ, तो देखते हैं पल्स के अलावा ये कुछ खाने देते हैं मुझे, तो चलो मुश्किल है। इस तरह हमारा दूसरा दिन समाप्त हुआ। अगले दिन हम निकल पड़े बिरथी वाटरफॉल के लिए, जो था 32 किलोमीटर की दूरी पर। इसको करीब से देखने के लिए काफी स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, पर है भी तो ये इतना आलीशान। इन स्टेप्स पर भी काफी लीचेस हैं, तो यहाँ पर भी शूज पहनना ज्यादा सेफ है। मीट मिस्टर ब्राउनी, जिन्होंने हमें वाटरफॉल तक पूरी कंपनी दी। हम तो वाटरफॉल पहुंचते ही भीग गए, पर फिर भी हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए और काफी सारे मेमोरीज बनाए। वाटरफॉल पर कुछ टाइम स्पेंड करके अब समय था नीचे जाने का। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं चल के दूसरे साइड से। ऐसे तो दो रूट थे, सर्दी हो गई है, दो रूट थे, एक साइड से हम ऊपर गए, दूसरे साइड से नीचे आ रहे हैं। दोनों ही रूट ठीक है, बट उस वाले पे
रीच ज़्यादा दिख रही थी हमें, यहाँ पे नहीं है उतनी, शायद यहाँ पे दिख नहीं रही हो या फिर कोई ना, पता नहीं। बट अब हम नीचे जा रहे हैं, हमने एक रेस्टोरेंट में दाल और राइस बनवाई है, वो खाएंगे अब जाके, लंच का टाइम हो गया, तो नीचे जाके मिलते हैं भाई।